प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को, पर एक होंगी पाकिस्तान से और एक होंगी हमारे भारत से, जहां आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी नाज़िया लाही खान, और आप लोग नाज़िया को देखते रहते हैं, और आज मैंने नाज़िया को देखते ही शुक्र अदा किया, क्योंकि नाज़िया ने कोई कलर पहना है। मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मुझे लगता है मुझे वीजा लेके जाना पड़ेगा, और इसके सारे वाइट ड्रेसेस जो है मुझे छुपा के आने पड़ेंगे कि इसको खुद को भी ना मिले। थैंक यू सो मच नाज़िया, आज आने के लिए भी और कोई कलर पहनने के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली वो कोर्ट का एक मसला रहता है ना, तो इसलिए सुबह जो निकलती हूँ बस उसी में रह जाती हूँ, और मैं थोड़ा सा ना उस टाइप की, ठीक है इट्स ऑल राइट, वाइट है तो वाइट ही रहे, ठीक है वैसा वाला मेरा नेचर है। नहीं अब आप उसमें भी अच्छी लगती है, लेकिन कलर्स में ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही है। नाज़िया, आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की। क्या है ये, सबसे पहले ये बिल क्या है और इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों है? मुझे लगता है आरजू जी, ऐसा सवाल तो आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं, तो आपने अल कुरान में कहीं पर पढ़ा होगा वक्फ बोर्ड। नहीं, मुझे तो ख्याल है कि मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इतना क्या हंगामा है और क्यों ये बिल आया है। मुझे तो अभी मुझे ऐसा लगा था कि वक्फ पर आपके बारे में बात करने से मुझे बहुत सारी आयतों का भी पता चलेगा कि हमने अल कुरान में वक्फ बोर्ड पर कौन कौन सी आयतें पढ़ी है। नौजुबिल्ला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे अल कुरान में वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई आयत या कोई तबसिरा है ही नहीं, और एज वेल एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत है उसमें भी वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ है ही नहीं। हमारे भारत के संविधान में भी इवन वक्फ बोर्ड ने जो अपनी बुक बना करके रखी है 1995 से, ये वाली, ये हमारे किसी भी लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी नहीं जाता है, अभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। जो लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि क्या आपके सिलेबस में, क्या आपके चैप्टर्स में वक्फ बोर्ड 1995 है? वो कहेंगे नहीं है, ठीक है। आज पिछले कई दिनों से अवेसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं, और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं, तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी आरजू जी। द सेकेंड थिंग इज के यही मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पर कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को दूसरी जगह से, दूसरे देशों से क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, और यही मुसलमान भारत के आज वक्फ बोर्ड पर ये कह रहे हैं और सारे ठेकेदार मिलकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहां पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहां पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए, है ना? बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि हमारे भारत में इंडियन आर्मी के बाद और आपका रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करना चाहूंगी कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम कंट्रीज, अगर किसी के पास वक्फ की संपत्ति है तो वो भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। एंड anyone can सर्च कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी सर्च कर सकता है, और सर्च करके मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दो, मेरे ऊपर FIR कर दो। मुझे आदत हो गई है अब केस खाने की, अब तो डर ही निकल चुका है पूरे तरीके से। बहुत सारे सर्वे और बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे वक्फ बोर्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद
वक्फ बोर्ड खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, मैं उसको आपके सामने पहले दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप पहले वो सुने कि वक्फ बोर्ड अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के साथ क्या बातें कर रहा है। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से नंबर वन सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़ (6 मिलियन एकर्स) यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर पर। खुद सुन लिया आपने? बिल्कुल। और ऐसे ऐसे इन्हीं के अंदर के लोगों से मैंने इनके बातचीत को बहुत सारा निकलवा लिया है और इनके अंदर के ही लोगों ने मुझे भेज दिया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं मुझे इनके अंदर के ही लोगों ने, जिसमें ये पता चलता है कि ये हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है। सबको पता है, आप तो इस्लामिक देश पता है, हाँ जाहिर है सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। तिरुचिल्लापल्ली में एक 1500 साल की पुरानी मंदिर है जिस पर वक्फ बोर्ड ने धावा बोल दिया और कहा कि ये हमारे मुसलमानों की जगह है। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे 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 इस पूरे देश में थर्ड नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। ठीक है, अब ओनर तो बना है लेकिन साथ साथ 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी। अब जब 2000 करोड़ का रेवेन्यू उठा रहा है और क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर ने ही, अभी मैंने सुनवाया कि वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा है, जिस रिपोर्ट के कागजात भी मेरे पास है कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में है और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवेसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को भी नहीं है, भारत में मुसलमानों के पास पहनने को भी नहीं है, भारत के मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत के मुसलमानों को पूरा बर्बाद कर दिया गया, क्यों बोलते हैं? अरे आपको तो ब्रिटिश लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी ने मिल करके एक इतनी बड़ी चीज दे दी और जिसको आपने धीरे 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 चोरी और चिटिंगबाजी से बहुत फैलाया फुलाया, आपने दो लोगों के हक मार मार करके आपने वक्फ बोर्ड को इस देश की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बनाया। आपने आपने कई भारत के एयरपोर्ट पर यह धावा बोल दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने इतनी चिटिंगबाजी कर ही ली, आपने इतना इतना गबन और इतना लैंड माफिया का कारोबार चला ही दिया, तो थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को भी थोड़ा फलाह और बहबूद से मुतासर करवा देते, मयसर करवा देते, है ना? अब मुसलमान बेचारे, यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी भारत में है। और यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मुसलमान एडुकेशन में दलित से भी पीछे हैं। दोनों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है या किसी भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में जाके सर्च कर लो, अल जजीरा में, क्योंकि मुसलमानों को ये सब बायस चैनल पर ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा बिलीव होता है, तो इसलिए मैंने इनका ही नाम लिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा जहां पे आपने देखा
नाजिया खान जी ने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।